भक्ति उत्तमम धा सप्त कुर्बत पश्चात धा भी श्रवण लोभात। कृष्ण कहते हैं अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया, ये रा अक्षर सुनते ही कृष्ण सोचते भैया इसको हमें मुझे कुछ देनी चाहिए, क्योंकि हमें राधा जी की और रा अक्षर बोला है। कृष्ण कहते हैं ये रा अक्षर का इतने महत्व है, ये विश्व ब्रह्मांड में रा अक्षर का विनिमय में भगवान को देने के लिए कुछ पास में नहीं है। समझो कितने महत्व रा अक्षर की। और धा रा और धा सुने तो बस, ये रा धा सुनते ही कृष्ण उसको पीछे 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 कृष्ण पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, हाँ उसको पीछे पीछे कृष्ण चलते हैं। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से। इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा जी का सबके सब नाम लेते हैं। यद्यपि धाम कृष्ण का है लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण नहीं, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए ये भजन में श्री राधा रानी की विशेष महिमा इसी भजन में। इसलिए जहां ये भजन हो, जगन्नाथ जी ये भजन को सुनने के लिए मंदिर छोड़ दिया। जगन्नाथ जी छोड़ करके वो देवदासी को पीछे पीछे चलने लग गए और बैगन का कांटा से भगवान का सारे वस्त्र फट गया, हाँ। और जगन्नाथ जी चुपचाप सो गए। सवेरे पुजारी उठे, देखे हम ठाकुर जी को नया वस्त्र धारण कराया, ये सब फटे हुए कैसे। राजा जी को खबर दिया, राजा आए जगन्नाथ जी का चरण में लेट गए, बोले प्रभु ये क्या लीला तुम्हारी, ये कपड़े क्यों फटे हुए। जगन्नाथ जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूं, एक देवदासी ये गीत गोविंद गा रही थी, ये गीत गोविंद में मेरी राधा रानी की महिमा है। जहां श्री राधा रानी की महिमा हो मैं तो रह ही नहीं सकता है, मैं तो वहां दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचता हूँ। इसलिए कोई चिंता नहीं, हम बहुत खुश है। तभी से जगन्नाथपुरी में वहां प्रचार की गई, ये भजन को जहां तहां नहीं गाया जाए, ये भजन को वही गाया जाए जहां पर श्री जगन्नाथ जी हो, जहां कृष्ण हो, नहीं तो ठाकुर को कष्ट होता है, ठाकुर जी भाग भाग कर वहां पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ठाकुर जी खड़े हैं, हाँ राधा कृष्ण खड़े हैं यहाँ पर, इसलिए यहीं पर ठाकुर जी है, इसलिए कोई भजन गाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को कहीं भागने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ऑलरेडी यहाँ पर, ठाकुर जी यहाँ विद्यमान ठाकुर जी है, हाँ। इसलिए अभी भी श्री जगन्नाथ जी को अब देखिएगा, जगन्नाथ जी का शरीर में जो चादर है ना, जगन्नाथ जो चादर पहनते हैं वो चादर के ऊपर में ये सित कमला कुछ भजन लिखा हुआ होता है। जगन्नाथ जी जो माला पहनते हैं, हाँ, जो तुलसी पत्ते के ऊपर में एक एक श्लोक को, चंदन से एक एक श्लोक को तुलसी पत्ते के ऊपर लिखते हैं, जगन्नाथ जी उसी चंदन का माला ठाकुर जी धारण करते हैं। मतलब इतने महिमा ये भजन की, इतने महिमा है ये भजन की, जिस महिमा की कोई अंत नहीं। इसलिए गुरु जी को ये भजन बहुत ही प्यारा था। गुरु जी को, गुरु जी हर शुभ काम में ये भजन को करते हुए सारे शुभ काम को प्रारंभ करते थे। इसलिए इसका कल दो लाइन गाएंगे, फिर महामंत्र गाएंगे, ठीक है, फिर जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे, क्यों जगन्नाथ जी को ये भजन बहुत प्यारा है। और जगन्नाथ जी ये भजन होने पर जगन्नाथ जी भाग भाग कर यहाँ पर आते हैं। अब इतने दिन तक श्री जगन्नाथ 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 जी कथा सुनेंगे, इसलिए जगन्नाथ जी भजन को सुनकर खुश होंगे। बोले जय जय देव हरे, 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 जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद गुलाल।
यशोदा दुलाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे आश्रित कमलाकुश मंडला धृता कुंडल श्रीत कमलाकुश मंडला धृता कुंडल काली का ललिता Govinda Govinda Radhe Radhe 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 Govinda Govinda Radh
गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोल हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल हरे hare ram hare ram 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 hare hare ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कन्यकाभदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य
क्षिप्तासि कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दनमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन कदाचित काल निधि तट विपिन संगीत तरल मुदाभिर नारी वदन कमला स्वाद मधुब रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनने का आज हम लोगों को 3 दिन तक कथा सुनने का हमें ठाकुर जी ने सुजग दिया है। कदे श्री जगन्नाथ जी ये और कोई नहीं कदे ये स्वयं कृष्ण ही ब्रज भाव में श्री राधा रानी का प्रेम में विभाजित हो करके श्री कृष्ण ही श्री ये जगन्नाथ जी का रूप धारण किया है। ये और कोई नहीं ये स्वयं लीला पुरुषोत्तम ये स्वयं भगवान ये कृष्ण है। इसलिए भगवान की जो कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है इसलिए इसका नाम कहते कथा। कथा का मतलब क्या है? कहते कांग मतलब रस, था मतलब हमें ये संसार का विषय भोग से उठा करके भगवत प्रेम में जो स्थापन कर दे इसलिए इसका नाम है कथा। हाँ, इसलिए शास्त्र में भगवत कथा की बड़ी बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये जो भगवान की जो कथा है बोले निप्रीत तसई रूपगीय मानात भव औषद छोत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुपादात पुमान विरज्जत पिना पसुखना। बोले हे सुखदेव गोस्वामी जो भगवान की कथा में इतने रस है भगवत कथा में इतने आनंद है बोले निप्रित तस्य रूपगीय मानात। सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी चतुष्सन जैसे आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी जब भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभि उरुक्रमे कुर्बन अहितु की भक्ति इतम भूत गुणहरि। भगवान कथा की इतने महत्व है आत्मा में जो रमण करने वाले और उस संपूर्ण ब्रह्म में जो डूबे हुए व्यक्ति संपूर्ण तो भी जब भगवत कथा को श्रवण करते हैं बोले कुर्बन अहितुकी भक्ति
वो भी ब्रह्म ध्यान को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म चिंतन को वो भी छोड़ करके बोले कुर्बन अहितो की भक्ति, भगवान की भक्ति में वो संपूर्ण सराबर हो जाते हैं। ये भगवत कथा की इतने महिमा है। इसलिए बोले निवृत तस्सी रूप गियमानात भव औषध छोत्र मन विरामात। बोले भगवान की कथा क्या है, अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवत कथा में डूब जाओ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, तुम्हें कुछ भी ध्यान ज्ञान कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो केवल कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब तक तुम भगवत धाम में नहीं पहुंच जाओगे तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब तुमको पूर्ण विश्वास हो गया अभी हम गोलोक वृंदावन में पहुंच गए तब हम छोड़ेंगे, कोई चिंता मत कर। इसलिए श्री परीक्षित महाराज केवल कथा सुनते सुनते पास, बड़ा पार है। इसलिए यहाँ पर बताए भव औषध छत्र, भव सागर से अगर कोई पार होना चाहते हैं बोले क्या करो, बोले कथारूपी गंगा में खूब गोता लगा, कथारूपी गंगा में खूब उसमें स्नान करो। इसलिए भव औषध भव रोगों का ये एकदम सबसे प्यारा दवा है। बोले भैया आपने बताया ये दवा है, बोले हाँ। बोले दवा अक्सर करके कड़वी होती है, देखना एलोपैथिक दवा क्या करते हैं, झट मुंह में डालो पानी देकर झट अंदर में, हाँ झट अंदर में कर देते हैं। बोले क्यों, बोले दवा अक्सर करके कड़वी होती है। बोले भैया आपने बताया भगवान की कथा दवा है, क्या ये कड़वी ही ना किया। बोले नहीं नहीं कथा कड़ी नहीं है। बोले क्या है, बोले स्वत्र मनोभिरामात, कान और हृदय को वो रस देने वाले हैं। इसलिए पृथ्वी महाराज जी भगवान से प्रार्थना करते बोले प्रभु मेरे को दो कान क्यों, मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान, दो कान तो बढ़िया लगता है, अगर सारा शरीर में कान ही कान हो जाए थोड़ी अच्छा लगेगा, तो 10,000 कान पूरा शरीर शरीर में कान ही कान ही। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, बोले कान तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों कान में कथा सुनने का इतने शक्ति हो जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति उतना शक्ति ये दोनों कान में दे दो। दूसरा अर्थ बताए, जैसे कथा यहाँ भी हो रही है पर और भी तो कई कथा होती होगी। बोले प्रभु जैसे कहीं की कथा जैसे चुके नहीं, जहां जहां कथा होता है मैं उतना रूप को धारण करते हुए वो कथा रस में एकदम सराबर हो जाऊं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव विनुते वितनुते तुंडा बलि लब्ध कर्ण क्रड़ो कड़मिनी घटयते कर्णा बुधे वस्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जानि जनिता किम अद्भुत कृष्णेति वर्णदय। रूप गोस्वामी कहते प्रभु तुम्हारी इतने मीठा नाम है कृष्ण, इतने मधुर नाम है। बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बल्ली सतफल चीति स्वरूपम। भगवान की जो कथा है बोले मधुर से भी मधुर है, मीठे से भी मीठे भगवान का नाम है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले अधरंग माधुरं बादनंग माधुरं चालितंग माधुरं गमनंग माधुरं हासितंग माधुरं गमनंग माधुरं माधुराधिपते राखिलंग माधुरं। बोले भगवान की सब मीठा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मीठा ही मीठा है। भगवान का चलना भी मीठा है, उनका बोलना भी मीठा है, उनका देखना भी मीठा है, उनको सब मिठाई मिठाई। कृष्ण पूरा रसगुल्ला ही रसगुल्ला है, जिधर से खाओ उधर ही, जिधर से खाओ और उधर से ठाकुर मिठाई मिठाई ठाकुर जी हाँ। इसलिए बोले भगवान का जो नाम है कहते इतने मीठा इतने मीठा है, जब जीवा में ठाकुर जी का नाम उदय होता है। बोले प्रभु एक ही जीवा दे दिया तेरे नाम लेने के लिए, तुमने
अर्बुद खरबुद जीवा मिलियन बिलियन जीवा क्यों नहीं दे दिया, तब तुम्हारी नाम लेकर हमें आनंद मिलता। बोले जब कान में प्रवेश करता है, बोले दो ही कान दे दिया हाँ? अगर करोड़ों करोड़ों कान दे देते तो तभी तुम्हारी नाम सुन करके आनंद मिलता। बोले प्रभु जब तुम्हारी नाम हृदय में प्रवेश करता है, लगता है मानो नाम नहीं अमृत की रस हृदय में प्रवाहित हो रहा है हाँ, हृदय में अमृत की धारा बरस रही है, ऐसे भगवान की कथा में महिमा है। इसलिए बोले निवृत तस्य रूप गिय मनात भव औषध छत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणान बादात पुमान विरजत बिना पशुक ना। कहते भगवान की कथा कौन नहीं सुनते हैं। बोले जो जानवर जानवर को मारने वाले जो व्याध है हाँ, मतलब जिसका हृदय पूरा निष्ठुर हृदय है, वही लोग ही भगवान की कथा नहीं सुनते हैं हाँ? जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है वही व्यक्ति कथा सुनते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आबतये ही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। शंकर जी कहते पार्वती आबत यही सर अति कठिनाई, बड़े भाग्यवान व्यक्ति ही ये भगवत कथा रस को बड़े भाग्यवान व्यक्ति ही पान करते हैं, सभी को ये सौभाग्य पार्वती प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान की कथा में कथा नहीं, जैसे रस की मंदाक इनकी नदी जैसे है। इसलिए कथा की अनंत अनंत महिमा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये कथा नहीं, ये कथा क्या है, कथा रसायन है हाँ, हृतिकर्ण रसायन। इसलिए भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कहते हैं, बोले मैया अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो उसका केवल एक ही उपाय है। बोले क्या है, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर संबीदौ भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा ताज्वसन आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले मैया कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल मेरे भक्तों के पास में जाओ, उनका चरण में बैठो, केवल मेरी कथा को ही सुनो मैया, केवल मेरी कथा सुनते सुनते सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो। वो जो कथा है, कथा नहीं बड़ा बलवान, कथा में बड़ा बलवान है कथा में। अगर तुम ये कथा को पान करोगे तो क्या होगा, बोले श्रद्धा रति भक्ति, यही कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, यही कथा ही तुम्हें धीरे 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 हृदय में भगवान का प्रति भावना उत्पन्न करेगी, यही कथा सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। केवल कथा के द्वारा मैया तुमको श्रद्धा रति भक्ति ये सब तुमको कथा से मिलेगा। और अपवर्ग वर्तमनी, ये जो प वर्ग है, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, कहती है प वर्ग है हिंदी भाषा में, प फ कचट तब, उसमें पांच वर्ग होता है, कचट तब खचट तब गजट धब वण नम से पांच, ये हिंदी भाषी है, हिंदी जो संस्कृत में। इसलिए प मतलब प वर्ग है हाँ, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेड, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। अगर तुम्हें मैया ये कथा को श्रवण करोगी, ये कथा श्रवण करते 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 तुम्हें ये प वर्ग वर्तमनी मतलब सारे दुख कष्ट से निकलते हुए, जन्म मृत्यु से चक्कर से निकलते हुए, अभय को प्राप्त करते हुए एक दिन में चरण को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवत कथा की बड़ी बड़ी महिमा भगवत कथा की। इसलिए ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा है, आज से हम लोग तीन दिन तक श्री जगन्नाथ जी की हम कथा श्रवण करेंगे। इसलिए श्री जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, मैं जब जगन्नाथपुरी में मैं पहले रहता था, जगन्नाथपुरी का वही कहा मैं हूँ वही कहा है, हर साल तो जगन्नाथ जी को दर्शन करता था, रथ यात्रा भी दर्शन करता था, रथ भी खींचता था। लेकिन जब जिस साल मैंने पहले मथुरा में आया हूँ, मथुरा में गुरुजी ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गुरुजी ने जगन्नाथ जी कथा की,
मुझे लगता है करी करी गुरुदेव ने 10 दिन तक जगन्नाथ जी कथा सुनाई, मुझे लगता है 10 दिन तक। जब गुरु जी के मुंह से मैंने जगन्नाथ जी कथा सुना, मैंने शास्त्र में बताया ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए शास्त्र में बताया जो धाम है और जो भगवान को आंखों से नहीं उनको कानों से दर्शन करनी चाहिए। मेरे को ये संपूर्ण अनुभूति हो गई गुरुदेव से। मैंने जब ये जगन्नाथ जी की कथा सुना, मैं पुरी में रहता था, जगन्नाथ जी को दर्शन करता था, रथ खींचता था, लेकिन उसमें मुझे जो आनंद मिला था जब हम गुरु जी की मुंह से हमने कथा सुनी, जगन्नाथ है कौन, रथ यात्रा क्यों करते हैं, चैतन्य महाप्रभु किसी भाव से श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचते थे, जब मैंने सुना, सोच नहीं सकते हैं, मेरे को लाख गुना मेरे को ये अनुभूति हुई, रथ यात्रा दर्शन करने से जो लाभ है, उनको खींचने से जो लाभ है, उससे ज्यादा अनुभूति मेरे को हुई जब गुरु जी से हमने कथा सुनी। मैं तो दंग रह गया, इतने रहस्य जगन्नाथ जी रथ यात्रा में, सचमुच से जो बताया, जो धाम को भगवान को आंखों से नहीं कानों से दर्शन करनी चाहिए, ये पूरा मेरे को अनुभूति हो गई गुरु जी कथा सुन करके। जैसे ये कथा नहीं, गुरु जी की मुख से जैसे पूरा भगवत कथा की मंदाकिनी की नदी, जैसे ब्रज रस की धारा वहां प्रवाहित होता था गुरु जी की मुखारविंद से, मेरे को इतने आनंद लगा, इतने गुरु जी की मुंह से कथा सुन करके आनंद लगा जो वर्णना में नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा इतने जगन्नाथ जी की महिमा, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हाँ कुछ नहीं जानते थे। इसलिए मुझे लगता है उसी कथा को लेकर के गुरुदेव ने जो रथ यात्रा ग्रंथ निकाले हैं, वो कथा से मुझे लगता है पूरी कथा नहीं गुरुदेव का, वो कुछ कुछ कथा वहां पर शायद दिए हैं। गुरुदेव ने जो कथा की थी प्राय 10-15 दिन तक, मुझे लगता है कंटिन्यू गुरुदेव ने कथा दी थी, अद्भुत अद्भुत है। हाँ, इसलिए श्री गौरव गोविंद महाराज, गुरुदेव हमारे गुरुदेव के अंदर में तो विशेष भावना थी। हाँ, गुरुदेव उनको ब्रज भक्ति की विशेष रुचि थी गुरुदेव की, और श्री गौरव गोविंद महाराज का भी कहते हैं उनको भी, उनको ब्रज भक्ति में उनको विशेष रुचि थी। जब गौरव गोविंद महाराज से एक कथा गुरुदेव को मिले, गुरुदेव इतने खुश हो गए गौरव गोविंद महाराज के बारे में, कहती गौरव गोविंद महाराज मेरे हृदय की बात उन्होंने दिया, इतने गुरुदेव प्रसन्न हो गए गौरव गोविंद महाराज के बारे में। ये तो मंदल जगन्नाथ जी कथा है, हाँ, इसलिए हम उसको कल हम सुनेंगे। उन्होंने गौरव गोविंद महाराज ने गुरुदेव वहां से क्या कथा जगन्नाथ जी मिले हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में गुरुदेव कहते हैं, जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले एल गौर रस न दे कादंबी नि होए, भासाइल गौर देश प्रेम बृष्टि दिए। उसमें वो वर्णना करते हैं महाप्रभु एक एक भक्तों को द्वारा उन्होंने क्या क्या रस प्रदान की है। हाँ, कृष्ण दास कविराज रसेरा भंडारी, कृष्ण दास कविराज रसेरा भंडारी, जतने राखिल प्रेमा हेम कुंभ भारी। लोचनदास उदाहरण देते हैं, बोले कृष्णदास कविराज को कहते हैं, कृष्णदास कौन है, बोले रसेरा भंडारी, और रस का भंडार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने क्या किया, बोले जतने राखिल प्रेमा हेम कुंभ भरी। वो उदाहरण देते हैं, ये चैतन्य चरिता मृत ग्रंथ नहीं, कद ये एक सोने की घड़ा है, एक सोने की घड़ा है, जिस इस सोने के घड़े में उन्होंने भगवत प्रेम को उन्होंने भर करके ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में रख दिया है। हाँ, इसलिए ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद एक समय उन्होंने अपना शिष्यों से प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है, बोले ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो कि अगर सारा दुनिया से सारे ग्रंथ चले जाए, जगत में केवल एक ही ग्रंथ रहे, जो एक ग्रंथ सारे ग्रंथ के अभाव को पूरा करता है। उनका प्रश्न है प्रभुपाद का,
किसने कहा श्रीमद् भागवत है, किसने कहा वेद है, किसने कहा गीता है, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं, केवल ये चैतन्य चरितामृत ऐसे के ग्रंथ है। दुनिया से सारे ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाए तो केवल एक ही ग्रंथ जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ था, ये सारे ग्रंथ की अभाव को पूर्ण करेगा, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। इसलिए ये गुरु जी कहते थे हमको भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, पहले में ये रामचरित मानस को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानता था, लेकिन जब मैं मंदिर में आए, जब गुरु जी से हमने कथा सुनी, बोले भैया ये चैतन्य चरितामृत के सामने सारे ग्रंथ फिक गए। कहते कभी कभी संस्कृत समझना सहज है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत समझना कभी कभी कठिन है। इसलिए कहते ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इतने दिव्य ग्रंथ है। विशेष करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में गुरु जी कहते उसमें पांच जो टॉपिक है, जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय पांच प्राण है, कहते उसी तरह ये चैतन्य चरितामृत में जो विशेष करके जो पांच जो विषय है वो सर्वश्रेष्ठ विषय है। कहते क्या क्या है, एक है श्री राय रामानंद संवाद। राय रामानंद संवाद विश्व में आप कहीं भी जाओ इस बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। हम जानते हैं भक्ति भक्ति है, लेकिन एक भक्ति से दूसरे भक्ति श्रेष्ठ क्यों, दूसरे से तीसरी भक्ति श्रेष्ठ क्यों, तीसरी से चौथी भक्ति क्यों, ये रस में जो विवेचना है, शांत दास सख्य वात्सल मधुर, ये रस का जो विवेचना आपको कहीं नहीं मिलेगा पृथ्वी में। यद्यपि श्रीमद् भागवत में वो सारी बात है भागवत में, लेकिन हमारे गोस्वामियों ने जो जो चीज को दिया है पृथ्वी में, अभी तक किसी ने ऐसे वस्तु नहीं दिया है। अद्भुत अद्भुत रस की जो विवेचना है, और रस में भी जो तरह तरह का जो विवेचना है, श्रृंगार रस में जो विवेचना है, सख्य परकीय फिर श्री गोपियों की भावना, और सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी का जो प्रेम वैचित्रता है, ये कहीं नहीं है। कहते गुरु जी कहते ये राय रामानंद संवाद, ये अद्भुत जिस चीज को स्वयं महाप्रभु श्री राय रामानंद कौन है, कहते विशाखा सखी है, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये रस को उनसे आस्वादन करते हैं। महाप्रभु स्वयं जिस राधा भाव को जो आस्वादन करने के लिए आए, जो चीज को वे आस्वादन करते हैं वो अद्भुत अद्भुत विषय है। उसमें जो दूसरा जो टॉपिक है, गुरुदेव कहते हैं कि रथ यात्रा एक दिव्य एक विषय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही जो फेस्टिवल में आपको महाप्रभु का भक्तों को और कहीं एकत्रित होते हुए नहीं मिलेगा। आपको सारे महाप्रभु के भक्त कहाँ एकत्रित हुए हैं, रथ यात्रा। केवल रथ यात्रा में आप श्रवण करो महाप्रभु के सारे परिकर, केवल एक रथ यात्रा जो है केवल उसी में ही सबके सब विद्यमान हुए। तब समझो ये रथ यात्रा कितने महत्वपूर्ण रथ यात्रा है। रथ यात्रा है क्या चीज, रथ यात्रा स्वयं श्री राधा रानी, जब कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर को बड़े दिनों से जब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, वहां पर श्री राधा रानी कहती बोले हे श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा रानी हूं। लेकिन जो वृंदावन में जहां पर जमुना नदी कलकल नाद से जहां बहती है, जहां पर कोयल कुहू कर रहे हैं, जहां पर मयूर केका करते हैं, जहां पर बेली चमेली जुई, जहां पर सुंदर सुंदर पुष्प से संपूर्ण वृंदावन धाम महक रही है, जहां पर चंद्रमा का किरण की छिटक से जहां पर संपूर्ण शोभायमान जो वृंदावन धाम है, प्रभु जब हम वहां मिलते थे, वृंदावन धाम में जब मिलते थे, वहां पर जो आनंद होता था, कभी यहाँ पर यद्यपि आप वही मैं भी वही हूं, लेकिन यहाँ पर परिवेश संपूर्ण अलग है। यहाँ पर परिवेश सबके सब राजा लोग हैं, हाँ यहाँ पर सबके सब रण क्षेत्र है, यहाँ पर राज्य भेष है, फिर आपका शरीर में जो भेष है आपके, ये ब्रज का कोई चिन्ह है ही नहीं।
ब्रज में तो आप मयूर मुकुट धारण करते हो, कहाँ या वो मयूर मुकुट कहाँ है? आप तो ब्रज में बंसुरी बजाते हो, आपकी बंसुरी का चिन्ह कहाँ है? ये आपको कोई ब्रज में से है ही नहीं, आपका तो सारा शरीर का जो चिन्ह है वो राज वेश है, ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का वेश नहीं है। अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो, हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो। आपको हम अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके, अपना हृदय बैठा करके हम आपको ले चलेंगे, से वृंदावन धाम ले चलेंगे। जब वृंदावन में निकुंज मंदिर में जब आपसे हम मिलेंगे, तब हमको पूर्ण आनंद मिलेगा। ये रथ यात्रा है, इसलिए श्री जगन्नाथ जी राधा जी के भाव में विभावित श्री महाप्रभु हैं। कदे सही तो प्राण नाथ पाए नो जहां लागे मदन धन्य छुर गए नो, वही प्राण के आप प्यारे हो हाँ, इसलिए हमारा हृदय रूप रथ में बैठो और आपका हम धीरे 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 वृंदावन ले चलते हैं। महाप्रभु वही भावना है हाँ? इसलिए महाप्रभु का जितने सारे परिकर है, चैतन्य महाप्रभु को जितने सारे परिकर है, वहां पर सबके सब विद्यमान है हाँ? इसलिए ये रथ यात्रा की इतने महत्व है। ये दूसरा टॉपिक है और उसमें जो तीसरा है गुरुदेव कहते हैं जो रूप शिक्षा है, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो अद्भुत है। आपको कहीं भी ऐसे डिस्कशन और इतने सूक्ष्म रूप में जो विवेचना की गई है, एक साधक ये साधन से प्रारंभ करते हुए जो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम, कैसे एक साधक कहां से ये भक्ति शुरुआत होता है और ये भक्ति लता बढ़ते 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 ये कैसे ये ब्रह्मांड को भेद करते हुए वैकुंठ को पार करते हुए अयोध्या को पार करते हुए कैसे वो कल्पलता श्री राधा कृष्ण का चरण में कैसे पहुंचता है और वो सब क्या चीज है। फिर साधन करते समय वो साधन में जो बाधा है ये क्या क्या चीज है, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को उपलक्ष्य करके जो रूप शिक्षा जो प्रदान की एक अद्भुत दिव्य वस्तु है, हमारे संप्रदाय में एक अनमोल वस्तु है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी रस तो एक समुद्र है जिसका कोई आर पार नहीं, लेकिन वो रस समुद्र का मैं तेरे को केवल एक बूंद में चखाना चाहता हूं, लेकिन वो बूंद तो महाप्रभु के लिए एक बूंद है लेकिन हमारा लिए तो रस है। उदाहरण देते हैं, जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं ना, खाए कि नहीं कभी रसगुल्ला? जब रसगुल्ला खाते हो देखना ये दोनों धार से कभी एक आग आध बूंद कभी टपक जाता है, रसगुल्ला में पूरा रस रस है हाँ, रस ही रस रसगुल्ला में। जब हम रसगुल्ला खाएंगे वो इधर से एक आध दो बूंद टपक जाती है, लेकिन चेटी के लिए ना बहुत है, चेटी चेटा चेटी के लिए बहुत है, हमारा लिए तो एक बूंद है रस है लेकिन चेटी के लिए तो बहुत है। उसी तरह महाप्रभु ने बोले हे रूप भक्ति रस एक अथाह समुद्र है हाँ? लेकिन उसका एक बूंद तुम्हें चखवाएंगे, लेकिन हम जैसे चेटा चेटी के लिए ना वो बहुत हमारे लिए हाँ? हमारे लिए बहुत है। कहते एक रूप शिक्षा है जो चौथा जो विषय है उसमें कहते श्री सनातन शिक्षा है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को उपलक्ष्य करके उन्होंने जो उपदेश प्रदान करते हैं वो अद्भुत अद्भुत है हाँ? महाप्रभु जो एक उपाख्यान द्वारा समझाया करते हैं हाँ? वो अद्भुत है। और जो पंचमा जो सब्जेक्ट है कहते श्री सार्वभौम और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो डिस्कशन है वो अद्भुत है। ये ब्रह्मवाद क्या है, मायावाद क्या है, उसको महाप्रभु जो खंडन करते हैं, खंडन करके महाप्रभु जो भक्ति सिद्धांत के तत्व को जो महाप्रभु स्थापन करते हैं वो एक दिव्य दिव्य अद्भुत एक टॉपिक है। इसलिए गुरु जी कहते हैं ये जो पांच जो टॉपिक चैतन्य चरितामृत में ये एक अद्भुत अद्भुत ये विषय है। और उसी में एक जो प्रसंग है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, तो समझो ये रथ यात्रा कितने हाई फाई ये रथ यात्रा ये कितने रथ यात्रा कितने महान विषय है, वो अद्भुत अद्भुत श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की।
बिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि वा। कीर्तन करेंगे फिर हम कुछ कथा सुनेंगे, ठीक है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, जय जय राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
hari bol 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 इसलिए श्री जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में श्री कृष्ण को बैठा करके उनको द्वारका से नहीं तो कुरुक्षेत्र से और ले जा रहे हैं वृंदावन की रथ यात्रा है। दूसरा रथ यात्रा है हमारा हृदय में, हृदय भी एक रथ है। अभी हमारा हृदय रूपी रथ में अभी हम ठाकुर को बैठाना है, लेकिन ठाकुर जी सब जगह में थोड़ी बैठ जाएंगे। ठाकुर तो वहीं बैठते हैं जहां निर्मल हो, जहां काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य नहीं हो, जहां पवित्र हो। ठाकुर केवल वहीं बैठते हैं, ठाकुर जी सब जगह में नहीं बैठते हैं। इसलिए रथ यात्रा पहले वहां पर एक गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के, अपना भक्तों को लेकर के भगवान स्वयं ये गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे। इसलिए जैसे कल रथ यात्रा है, रथ यात्रा से एक दिन पहले ये गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। ये गुंडीचा मंदिर को मानी जाती है ये वृंदावन है। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो मानी जाती है ये द्वारका है। अभी ठाकुर जी द्वारका छोड़ करके, अपना लक्ष्मियों को छोड़ करके अभी जगन्नाथ जी चलेंगे वृंदावन, अभी चलेंगे ब्रजवासी वृंदावन धाम में चलेंगे। इसलिए पुरी में एक नियम है, जगन्नाथ आने से पहले वो गुंडीचा मंदिर एक साल से कोई साफ सुथरा नहीं होता है। एक दिन पहले राजा वो मंदिर को सफाई करते हैं नौकरों को दे करके। लेकिन जहां चैतन्य महाप्रभु जब थे, महाप्रभु बोले जहां जगन्नाथ जी बैठेंगे, जगन्नाथ जी स्थान को नौकरों से साफ किया जाएगी। भगवान की सेवा तो प्रेम से होता है। हाँ, ठाकुर जी के चरण की सेवा, बोले ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बोले जिनकी चरण को ब्रह्मा लक्ष्मी शंभु शंकर जी अमर पति स्वयं इंद्र, हाँ, जिस चरण को ब्रह्मा आदि जिन चरण को सेवा करते हैं, वैकुंठ में जहां पर लक्ष्मी भगवान के चरण को गोद में लेकर के दिन रात जिन चरण को सेवा करती हैं, और गोपियां क्या करती हैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले जत किं करि सुबहु स खलुका कुबाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भजन भवना गनिमार जनिस्याम। महाप्रभु का एक भक्त श्री प्रबोधानंद वो कौन है, कहती है तुंग विद्या सखी। वो तुंग विद्या सखी कहती है, वो क्या प्रार्थना करती है, बोले कभी क्या मेरी ऐसे सौभाग्य होगा, बोले क्या सौभाग्य चाहते हो, बोले जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी है। राधा रानी अपना सखी मंजरियों को बोल जा, बोल खबरदार आज कोई काले को घुसने मत देना, ये जितने काले हैं ना सब धुरते हैं, हाँ ये काले किसी मेरे सामने कोई काले चीज मत लाया करो। आंख का जो भ्रूर जो भी काला है ना उसमें चंदन लगा दो, हाँ, और जो चोटी है वो भी काली है, बोले फूलों की माला से उसको भी सफेद बना दो। मेरे सामने कोई काला चीज मत लाया करो, कोई काले व्यक्ति आए तो घुसने मत दिया करना। अभी राधा रानी मान करके जो निकुंज में बैठी हुई और सामने ये सखी मंजरी को खड़ी कर देती हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं श्री राधा रानी से मिलने के लिए, कहते मेरे को थोड़ी राधा रानी से मिलने दो। जहां सखियों के पास में स्वयं कृष्ण
हाथ जोड़ करके काको वचन से मेरे को थोड़े से किशोर जी से मिलने दो। मंजरिया कहती है नहीं, आज राधा रानी ने मना की, कोई काले व्यक्ति को घुसने मत दिया करे। वो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिस निकुंज मंदिर में सखिया जो झाड़ू से जो निकुंज मंदिर को साफ करती हैं, क्या हमारी कभी ऐसे सौभाग्य होगा? और निकुंज मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू का क्या मैं कभी एक सलाका पल पाऊंगा? उनकी भावना है हाँ? जिस निकुंज मंदिर को सखिया मंजरी अपना केस से बाल से और निकुंज मंदिर को साफ करते हैं, बोले क्यों? जहां पर स्वयं श्याम सुंदर, जहां पर श्री राधा रानी विहार करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले जहां पर स्वयं जगन्नाथ जी आकर के बैठेंगे, जहां पर वहां पर नौकरों से पैसा देकर के नौकरों से सेवा होता है। भगवान की भक्ति तो हाँ अहितु की भक्ति हाँ। इसलिए सबई पुंसा परो धर्म चत भक्ति रधक्षजे अहितु की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति तो अहितु की हाँ, बिना प्रेम के मोल से भावना से भक्ति की जाती है, सेवा भावना से पैसा से नहीं होता है सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? बोले राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वो स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांतियों को लेकर के आए हैं, स्वयं कृष्ण स्वयं आए हैं। इसलिए आज स्वयं महाप्रभु जाकर के श्री राजा से प्रार्थना करते हैं, ये सेवा मुझे दे दो, मैं अपना भक्तों को साथ में मैं सेवा करूंगा। जहां पर मेरे प्रभु आकर बैठेंगे हम नौकर से नहीं, हम अपना सेवकों से करेंगे। राजा बोले भगवान झाड़ू लगाने का सेवा हमारा देश में स्वीपर है, हमारे देश में सबसे घटिया सेवा मानी जाती है जो स्वीपर होता है ना, रास्ता में झाड़ू लगाते हैं जमादारणिया हाँ, कहती है जमादारणी का सेवा है। आज भगवान स्वयं भगवान की सेवा मांग करके ले रहे हैं, ये सेवा मुझे दे दो, हम स्वयं करेंगे। इसलिए भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं है, ठाकुर के दरबार में हाँ, ठाकुर जी सबकी सेवा ग्रहण नहीं करते। बड़े किस्मत वालों की भाग्य हो जो कि भगवान के दरबार में जहाँ कोई झाड़ू लगाते हैं। इसलिए आपको पता है हमारे संप्रदाय में श्री श्यामानंद प्रभु हुए हैं। जब श्यामानंद प्रभु वृंदावन धाम में आए, गुरु जी श्री जीव गोस्वामी बोले बेटा बगैर सेवा से मेवा नहीं मिलता है, जाओ निकुंज वन में झाड़ू लगाओ, निकुंज वन में झाड़ू लगाओ। जब निकुंज वन में श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाया करते थे राधा रानी का नाम को ले लेकर के, हे राधे मेरे ऊपर तू कब कृपा करोगे हाँ। लेकिन वृंदावन का धूली थोड़ी साधारण धूली, वो धूली धूली नहीं हाँ, सख्यात ब्रजवासियों का चरण धूली है। अगर कोई धूल में लोट पोट खाए हाँ, वहां के एक धूल में चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्यापाल अंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। वो धाम चिंतामणि है जहां पर एक लक्ष्मी नहीं, जहां पर हजार हजार लक्ष्मियां जहां झाड़ू लगाती है जिस निकुंज में। वृंदावन धाम साधारण भूमि वृंदावन नहीं, धुला नहीं धुली नहीं गोपी पद रेणु, वो धूल नहीं वो गोपियां की चरण धुली है। जे रेणु में खेचल नंद बेटा काम, ये बंगला के जिस धूली में कोई स्वयं कृष्ण जिनको धूली में नारद जी ब्रजरज को लेकर के जाते हैं, कहां पर? द्वारका में, जहां भगवान ये ब्रजरज जहां पर कृष्ण स्नान करते हैं, हम उसी तिलक पर लगाते हैं यहाँ पर हाँ। इसलिए वो धूल नहीं, ये गोपियों की चरण धूली है, जहां की एक धूल में श्री श्रीवास पंडित को श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, बोले तू क्या बैकुंठ की बात करते हो, ब्रज का एक धूल में इतने शक्ति है, तुम्हारी कितने बैकुंठ को सृष्टि कर सकता है। ये धूल कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए श्री श्यामानंद प्रभु जब झाड़ू लगाया करते थे क्या फल मिला? राधा रानी स्वयं दर्शन देने के लिए अपना चरण के नुपुर छोड़ करके जाती है हाँ? नुपुर छोड़ करके जाती हैं। दूसरे दिन श्यामानंद को जब चरण को नुपुर मिली, अपना गुरु जी से दिखाया, बोले गुरुदेव ये चरण के नुपुर मिला, गुरु जी तो साधारण थे नहीं, वो तो स्वयं जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी और विलास मंजरी है। बोले बेटा राधा रानी तेरे ऊपर में कृपा करना चाहती है, इसलिए चरण नुपुर छोड़ कर गई। देखो
जिसको तिसको देना नहीं, अगर कोई मांगने आए ना बोलना जिनकी चरण के नुपुर है वो स्वयं आए और अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। तो राधा रानी स्वयं आती है अपना हाथों से राधा जी की चरण में कि नुपुर पहना आते से श्यामानंद प्रभु। किसका फल है? झाड़ू लगाने का फल है। यहाँ झाड़ू लगाने का फल है। झाड़ू लगाते लगाते ब्रज रज की सेवा करते 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 उन्होंने भगवत प्राप्ति कर दी। ब्रज में ऐसे कुछ संत है, ऐसे कुछ संत है। देखो ये ब्रज की कितना महत्व है। वहां ब्रज लोग ब्रज में क्या करते हैं, कोई कोई जैसे गोवर्धन है वृंदावन में झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं। कोई कोई संत ऐसे हैं वो झाड़ू लगाते लगाते क्षय होता है, हाँ क्षय होता है। क्षय होते होते जब छोटा हो जाता है वो झाड़ू को ऐसे नहीं फेंक देते हैं, वहां पर मिट्टी गाड़ करके समाधि दे देते हैं। बोले क्यों? बोले भैया ये झाड़ू कोई साधारण नहीं, ये झाड़ू कोई साधारण नहीं, क्योंकि सारा जीवन ब्रज रज की सेवा की। झाड़ू लगाए ना ब्रज में, ब्रज में झाड़ू लगाए मतलब इन्होंने ब्रज रज की सेवा की है, इसने फेंकना नहीं। पता नहीं पूर्व पूर्व जन्म में कौन सा ऋषि मुनि जो ये झाड़ू रूप में जन्म हुए हैं, जो झाड़ू की सेवा की है, इसलिए बाद में मिट्टी में उसको समाधि दे देते हैं। मतलब उनकी भावना कितने बड़ी भावना है। इसलिए वृंदावन में जो झाड़ू लगाते साधारण नहीं। देखो एक समय कोई राठौली कोई देश था, उसके कोई महारानी पालकी में बैठी करके आ रही थी, हाँ पालकी में बैठी करके आ रही रानी। सब लोग हट जाओ महारानी आ रही है, हट जाओ, जैसे राजा आते हैं ना, जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर आए हट जाओ हट जाओ, हाँ वहां पर बोल हट जाओ हट जाओ। लेकिन वहां पर एक महंत रानी थी, महंत रानी जानते हो वृंदावन में जो रोड को साफ करती है, जो नाली साफ करती है, उसका नाम महंत रानी है, हाँ वो उसको सेवा करने वाली। वो बेचारी रास्ता में साफ कर रही थी, इतने में बड़ी जोर से आवाज हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ रानी आ रही। वो ऐसे कर खड़ी हो गई, ऐसे कर खड़ी हो गई, बोले कौन सा महारानी आ रही है ब्रज में, हम चार चार रानी है, पंचमा रानी कहाँ से आ गई? बोले हम ब्रज में हम चार चार रानियां हैं, ये पंचमा रानी कहाँ से आ गई? जब ऐसे पार करे खड़ी हो गई, जो रानी पालकी में बैठी थी ना वो समझ गई जरूर कुछ बात है, वो उतर गई। बोले भैया ब्रज में कौन सा चार चार रानी है? बोले ब्रज में एक है सबसे जो बड़ी रानी श्री राधा रानी, सबसे बड़ी रानी श्री राधा रानी। जो दूसरी रानी है कहती ये जमुना पट रानी है, ये दूसरी रानी है। बोले तीसरी रानी कौन है? बोले ब्रज रज रानी, ब्रज का जो रज है उससे भी रानी कहते, ब्रज की रज रानी। ये रज है वो साधारण वस्तु नहीं, जिसे रज को हम स्वयं लगाते हैं, हाँ ले ब्रज रज रानी। और चौथी रानी, ये तीनों की सेवा करने वाले में महंत रानी। ये तीनों का सेवा करने वाले में महंत रानी, तू कहां से पंचवा रानी आ गई? हम ब्रज में तो हम चार चार रानियां ब्रज में है। इसका मतलब है ब्रज में, हाँ ब्रज में जो झाड़ू लगाती है वो कोई साधारण नहीं, नहीं तो ब्रज की सेवा थोड़ी सभी को मिलता है, सभी को ये ब्रज की सेवा सभी को नहीं मिलता है। इसीलिए कहते ब्रज में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं, ब्रज में झाड़ू लगाना। इसलिए आज स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में आज स्वयं कौन सा सेवा मांग करके ले रहे हैं? झाड़ू लगाने की सेवा, झाड़ूदार की सेवा ले रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में बहुत साल पहले एक राजा प्रताप रुद्र हुए हैं, पुरुषोत्तम जैना हुए हैं, एक राजा थे पुरुषोत्तम जैना। वो जब जवान हुए अभी देख रहे थे राजा का शादी कहाँ होगी, तब वहां पर ढूंढते ढूंढते देखा एक कांची राजा है जिनकी बेटी बहुत सुंदरी है, जहां पर आप सुने होंगे मयूर सिंहासन ब्रिटिश ने जो चोरी करके ले गया, मयूर सिंहासन उनके पास में वो मयूर सिंहासन था रत्नली। भले वो बहुत बड़े राजा है, उनकी जो बेटी बहुत सुंदरी बड़ी नाम की है, पर पुरी के राजा भी कोई साधारण राजा था नहीं, राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ के सेवक है, हाँ इसीलिए बोले उनकी बेटी को साथ में, राजा को बेटी को साथ में शादी हुई। अभी पुरी का राजा दामाद बन गए, उसने सुना जब पुरी का सबसे जो बड़ा फेस्टिवल है श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है, अभी इनका जो ससुर बनने वाले वो देखने के लिए आए, ये दामाद
कैसे ये रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा जगन्नाथ जी रथ यात्रा से पहले राजा स्वयं झाड़ू ला करके सोने के झाड़ू में वो साफ करता है। हाँ? अभी तो रथ गोबर साफ कर देते हैं, पहले पहले था मेन रोड में राजा स्वयं उतर करके अगुर कर्पूर चंदन के पानी के छिड़काव दे करके राजा स्वयं झाड़ू लगाया करता था। हाँ? वो देखने के लिए आया कैसे मेरा दामाद कैसे जगन्नाथ जी सेवा करता है। आकर देखा हजार हजार लोग, अभी रथ यात्रा में कुछ भक्त जाओगे ना अब देखो कितने लोग है, हजार हजार लोग, और राजा एक वस्त्र पहन करके गले में गल वस्त्र पहन करके डाल करके वो झाड़ू लगा रहा है। उन्होंने कहा हे भगवान ये मेरे दामाद बनेगा झाड़ू डाल देगी। अगर कोई देखने के लिए आएगा तुम्हारे दामाद कैसे हैं, अगर सभी को सामने अगर उसको देखेगा ये मेन रोड को अपने ये झाड़ू लगा रहा है, बोलेगे एक झाड़ूदार को साथ में तुम्हें अपना बेटी को शादी दिया है। वो राजा तो दुखी होकर के वापस चला गया, बोले भैया ऐसे दामाद मेरे को नहीं चाहिए जो झाड़ूदार के। वो जाकर ना बात एकदम दबा दिया और कोई बात नहीं कर रहे शादी वादी के। राजा ने देखा भैया शादी होने का बात था, राजा चुप कैसे हो गया। एक दूत को भेजा, भैया देख करके पूछ करके वो क्या बात है बंद क्यों कर दिया। जब दूत गया पूछा अब राजा को साथ में शादी होने का था बेटी बात क्या हुआ, बोले भैया हम एक झाड़ूदार से शादी नहीं करवा सकते, हम देखने के लिए गए थे रथ यात्रा, देखा मेरा जो दामाद बनने वाला वो मेन रोड में झाड़ू लगा रहा है, हम इस झाड़ूदार से बेटी को शादी नहीं कर सकते हैं। दूत आकर राजा को मिला, बोले वो तो आपको झाड़ूदार बता रहे हैं आप झाड़ू लगाते हुए देखा। राजा सुनकर के उसको इतना क्रोध आया, बोले हाँ मैं झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ जिनकी चरण की सेवा लक्ष्मी स्वयं करती हैं, जिनकी चरण की सेवा ब्रह्मा शंकर, जिनकी सेवा के लिए तरसते हैं साक्षात बलदेव प्रभु अभिन्न स्वरूप कृष्ण से, लेकिन करते हैं क्या पंचरस से दस शरीर को द्वारा जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, उनका आसन व्यंजन पादुका छत्र कौन है, स्वयं बलदेव प्रभु उनका सबके सब बने हुए छत्र, सख्यात बलदेव प्रभु जिनकी सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, मैं तो अपना को अहोभाग्य समझता हूँ, ठाकुर जी मेरे को कृपा करके थोड़ी सी सेवा स्वीकार की है, मेरे को झाड़ूदार बताए, जाओ उसको बोल देना कल वो राज्य के ऊपर में कल चढ़ाव करूंगा, राज्य का राजा को परास्त करते हुए इसको बेटी को ला करके झाड़ूदार से शादी दूंगा, मेरे को क्या समझता है। उन्होंने जाकर बोल दिया, राजा तो ऐसे बोले। दूसरे दिन पूरी का जो राजा था अपना सैन्य सामंत को लेकर के राजा के ऊपर में चढ़ाई कर दिया, घमासान युद्ध वहां पर हुई। युद्ध से पहले उनमें एक शर्त रहा, शर्त क्या है, वो राजा का जो इष्ट है वो गणेश, पूरी राजा का जो इष्ट है जगन्नाथ जी, बोले जो हार जाएगा उसका इष्ट जाकर के दूसरे इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, अगर पूरी राजा हार जाएगा इनका इष्ट जगन्नाथ जी इनको जाकर के उनका इष्ट जो गणेश भंड गणेश है उसको पीछे बैठना पड़ेगा, अगर गणेश अगर वो राजा हार गया तो गणेश जी को आकर के जगन्नाथ जी को पीछे बैठना पड़ेगा, ये उनका शर्त रहा, ये कंडीशन है। राजा सारा दिन युद्ध किया, जितने सैनियों को मार रहे थे, जो भंड गणेश को गोद में एक देवी थी, जो देवी बड़े रिद्धि सिद्धि देवी थी, वो देवी में एक चमत्कारिता थी, जितने राजा सैनी को मार रहे थे वो देवी इतने बच्चों को जन्म देती थी, सैनी को जितने मरते थे उतना जन्म देती थी, इतने शक्ति थी, इसलिए राजा दिन भर युद्ध करते करते जितने को मार रहे थे उतने सैनिक आ रहे थे। बोले भैया ये क्या है, ये खत्म नहीं हो रहे। राजा शाम हो गया, उसमें हार जीत कुछ नहीं हुआ, राजा वापस आ गए, जगन्नाथ जी को चरण में सीधा लेट गए, बोले हे जगन्नाथ जी ये युद्ध मैं अपना लिए नहीं कर रहा हूँ, ये युद्ध तेरे लिए मैं कर रहा हूँ, तेरी सेवा में कर रहा था और मुझको उसने झाड़ूदार बताया, इसलिए इसका प्रतिशोध लेने के लिए चाह रहा हूँ, अगर मैं हार गया ना वो मेरा हार नहीं तेरा ही हार है, अगर मैं हार जाऊंगा याद रख तेरे को जाकर के उसको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, ये याद रख। जब उन्होंने ऐसे प्रार्थना की, जब रात को जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए, जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले बेटा कोई चिंता मत कर, कल हम दोनों भैया कृष्ण और बलराम हम दोनों भैया तुम्हारी पक्ष में युद्ध करने के लिए जाएंगे,
कोई चिंता मत करो। सचमुच से राजा युद्ध में जाने से पहले कृष्ण बलराम उठे, नहा धो करके एकदम सज धज करके, जैसे वीर होते हैं ना, सैनिक होते हैं, सज धज करके एक काले घोड़े और एक सफेद घोड़े। आप लोग पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जाना, जो दक्षिण दरवाजा में देखना, दक्षिण दरवाजा में कृष्ण बलराम दोनों घोड़े के ऊपर बैठे थे, वो चिन्ह देखना किस रूप में वो युद्ध करने के लिए गए थे। जगन्नाथपुरी में दोनों बैठे हुए दोनों भाई है, हाँ, कृष्ण बलराम। राजा जाने से पहले दोनों युद्ध के लिए चल पड़े। चलते चलते थोड़ी दूर जब गए, दोनों भाई सवेरे नाश्ता नहीं किया, रास्ता में भूख लगी। एक भक्तों को ऊपर कृपा करना था, एक ग्वालिनी थी जिसका नाम थी मानकी, उसको पर भगवान की कृपा करने का था, वो दही बेच रही थी। बोले माता जी, हम दोनों भैया को बड़े भूख लग रहा है, हमें थोड़ा दही पिला दोगे? उसने देखा बड़े सुंदर बच्चे हैं, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, एक पीतांबर पहना हुआ और एक नीलांबर पहने हुए, एक काले घोड़े और एक सफेद घोड़े, दोनों धनुष धारण किए हुए, बड़े सुंदर देखने में प्रभु, और कृष्ण बलराम है, हाँ, कृष्ण बलराम। दोनों भैया को देख करके, ये तो उनको दही खाना आदत है, दही चोरी करके खाते थे, मक्खन खाते थे, मक्खन चोर है, उसको पास में जितने दही था ना, वो सबके सब खा लिए, थोड़ी सी भी छोड़े नहीं, सब खा लिए। बोले पैसा दो, पास में पैसा है नहीं, झांकने लगे, बोले पैसा है नहीं हमारे पास है। बोले पैसा नहीं, खाने से पहले तो सोचनी चाहिए पैसा है कि नहीं, पूरा के पूरा खा लिया, जब पैसा मांगे बोले पैसा नहीं, हाँ, बोले पैसा दो, इसी पैसा से मैं तो अपना संसार चलाता हूँ, सब थोड़ी सी भी दही छोड़े नहीं, सबके तो खा लिए। इतने में कृष्ण ने कहा, देख हमारा पीछे राजा पुरुषोत्तम जना राजा आ रहा है, हम उनको दो सैनिक है, हम उनसे तुम पैसा मांगना, वो दे देंगे। बोले पता कैसे चलेगा, हमारा दही खा कर गए, कोई निशान दे तो, चिन्ह दो। जगन्नाथ जी अपना हाथों से अंगूठी को निकाले, अपना मुद्रिका को निकाल करके, बोलो इसको ले लो। उसको पता नहीं, वो था हीरे की, लेकिन वो ग्वालिनी को हीरे की कीमत क्या पता है। बोले पूरा का पूरा दही खा लिया, पत्थर का अंगूठा देकर चले गए, पत्थर का अंगूठा देकर चले गए। इतने में जब वो राजा आए, वो ग्वालिनी बोले, महाराज रुक जाओ रुक जाओ, आपका दो सैनिक मेरे पास में दही खा कर गए हैं। वो बोले, आपका वो सैनिक थे, बोले ये अंगूठा दिखा देना, पहचान जाएंगे। बोले भैया हमारा कोई सैनिक गए नहीं, उनको तो पता नहीं कृष्ण बलराम पहले गए, हाँ पता नहीं। बोले क्या देखो, क्या चिन्ह क्या है? बोले ये अंगूठा देखो, देखा हीरे की, जगन्नाथ जी को राजा स्वयं बना करके उसमें नाम लिखा हुआ, जगन्नाथ जी का नाम लिखा हुआ, राजा स्वयं जगन्नाथ जी को धारण कराया था। राजा बोले, ये अंगूठा तो मैं जगन्नाथ जी को पहनाया था, ये तो जगन्नाथ जी का। राजा तो सुन करके आंखों से आंसू निकल आया, प्रभु मेरे से जाने से पहले प्रभु स्वयं चल पड़े और अपना परिचय दिया, हम राजा की तो सैनिक। राजा उतर गए, वो जो ग्वाल इनका चरण छुए, बोले बेटी तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत बड़ी किस्मत वाली हो, वो दस सैनिक नहीं, मेरे प्रभु कृष्ण बलराम हैं, तेरे दही खाए हैं। राजा तो हीरे जवाहरात से उसको झोली भर दिया। बोले तुम यहाँ खड़े होकर के तुम देखो, जितने दूर तक तुम्हारी निगाह जा रही है, हाँ, आज से ये जगह की रानी तुम बनोगे, इसलिए अभी भी वो स्थान का नाम है मानकी पटना, हाँ, ये उड़ीसा में स्थान है, वो ग्वालिनी का नाम थी मानकी, उसको नाम पर राजा सब कुछ लिख दिए। ले जा, आज से तू मालामाल होगी, रानी बन जाओगी आज, हाँ। राजा जब गए, सचमुच से देखा घमासान युद्ध ठाकुर जी कर रहे, कृष्ण बलराम जितने युद्ध करके जितने सैनिक को मार रहे थे, पता नहीं वो सैनिक उतना आ रहे। बोले भैया कहाँ से इतना सैनिक आ रहे, ये खत्म नहीं हो रहे। जगन्नाथ जी को पता चला वो भंड गणेश को गोद में एक देवी है, वो देवी की ये चमत्कारिता है, जितने सैनिक मैं मार रहा हूँ इतने सैनिक वो प्रकट कर रही है। फिर जगन्नाथ जी को बड़ा क्रोध आया, जगन्नाथ जी कृष्ण उठाया धनुष, जगन्नाथ जी गणेश को ऊपर, बोले तेरे को मैं जान से खत्म कर दूंगा, हाँ, इस सैनिक को तुम प्रकट कर रहे हो। गणेश जी डर गए, भैया मेरे को मत मारो। फिर उन्होंने जो जन्म दे रही थी वो जो देवी, उन्होंने जन्म स्थान उन्होंने बंद कर दिया। फिर राजा परास्त हो गया, जगन्नाथ जी
पुरुष वहां राजा को पकड़ करके लाए और राजा का चरण में डाल दिया, बोले राजा आज से ये तुम्हारी दास है, जो कुछ करना तुम इसके लिए करो। फिर वहीं से जब राजा आए वहां से चार चीज लेकर के आए थे। पहला नंबर चीज लाए राधा कांत, अब गंभीरा गए होंगे जगन्नाथपुर में गंभीरा जहां महापुरुष रहते थे, वहां पर जो ठाकुर जो घुसते ही उल्टा हाथ में जो ठाकुर दर्शन करोगे उनका नाम राधा कांत है, वो विग्रह को वहीं से लाए थे। दूसरे चीज जो उन्होंने लाए वहां से मयूर सिंहासन जिसको ब्रिटिश ने ले गया। तीसरा चीज वहां से लाए ये भंड गणेश को। चौथा चीज लाए उनकी बेटी को, बोले तुम्हारी बेटी को लेकर के मैं एक झाड़ूदार से मैं शादी कराऊंगा। उन्होंने बेटी को लाए, जो मंत्री था ना वो मंत्री को दे दिया, बोले महामंत्री ये बेटी को मैं दे रहा हूं, ये बेटी को किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करा देना। मंत्री बड़ा चला गए, बोले यही एक दिन राज रानी बनने वाली थी, हाँ राज रानी यही बनने वाली थी, उनको बोले किसी झाड़ूदार से शादी करेंगे। फिर उन लोगों ने मीटिंग किया, बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करना एक साल बाद में फिर रथ यात्रा आएगा, राजा जब झाड़ू देंगे ना इसको दुल्हन ही बना करके हाथ में माला दे करके बोलना राजा जी को गले में माला डाल दे, क्योंकि यही तुम्हारी रानी बनने वाली थी। एक साल बाद में फिर जब रथ यात्रा आई फिर इसको सजा सजा करके दुल्हन ही बना करके इसको ले गए और हाथ में माला लेकर के बोले जाओ राजा झाड़ू लगा रहे हैं उनको गले में ये माला पहना दो। जब उन्होंने उनको गले में माला पहनाने के लिए गई इतने में राजा बोले मंत्री मैंने कहा था किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी दिलाने के लिए, बोले महाराज आप जैसे बढ़िया झाड़ूदार कौन मिलेगा, आप जैसे बढ़िया झाड़ूदार कहीं मिलेंगे, बोले महाराज आप स्वीकार करो आपको साथ में इसकी शादी होनी थी, ये राजकुमारी है। फिर राजा ने स्वीकार किया। देखो जगन्नाथ जी की दरबार में झाड़ू लगाने का कितने महत्व है, जिस वजह से स्वयं ठाकुर जी इनके लिए लड़ने के लिए गए हैं, हाँ लड़ने के लिए गए हैं रथ यात्रा में, फिर प्रसंग में, फिर बीच में हम सुनेंगे जब श्री महाप्रभु पुरी में आए, पुरी में आए तो महाराज ये राजा से मिलना नहीं चाहते थे, बोले ये विषय है इससे हम नहीं मिलेंगे, ये विषय राजा है विषय भोग करता है हम इससे नहीं मिलेंगे। लेकिन महाप्रभु प्रसन्न कब हो गए जब महाप्रभु रथ यात्रा में आए, देखा राजा को सब झाड़ू लगाते हुए, महाप्रभु बोले उत्तम हया करे अधम सेवन, कहां राजा और कहां झाड़ूदार, किसका दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, बोले जगन्नाथ जी की, बोले जगन्नाथ है कौन, बोले मैं स्वयं तो जगन्नाथ हूं ना, महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ है, मेरे सेवा के लिए ये राज पोशाक छोड़ करके एक साधारण वस्त्र पहन करके मेन रोड में झाड़ू लगा रहे हैं मेरे लिए, महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अतएव तुम ही हो जगन्नाथ रे कृपा राजन, तुम जगन्नाथ कृपा पाने के लायक तुम हो, इसलिए महाप्रभु बोले थे हम उसको दर्शन नहीं देंगे। लेकिन महाप्रभु दो दो बार उनको कृपा की, जिस समय महा जगन्नाथ जो रथ यात्रा के सामने वहां सात दल था जिसमें मृदंग बज रही थी, सबके सब हरि कीर्तन गा रहे थे, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि hari bol hari bol hari bol hari bol hari bol jai jai radha ramana hari bol jai jai radha ramana hari bol jai jai radha ramana hari bol jai jai जय जय राधा रमण
हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल प्यारो काना मेरो मैं बतिया नटार नबल चल रसिया प्यारो काना मेरो मन बतिया करि काली सी को जतिलो जय जय राधा रमण हरि को नो जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल स्वयं देखा क्या देखा जैसे कृष्ण एक कृष्ण है लेकिन जब सतकर्ण गोपियों के साथ में प्रभु रास कर रहे थे राधा रानी क्या देख रही थी हर कृष्ण के साथ में एक गोपी है एक गोपी के साथ में एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण जैसे कृष्ण वहां सतकर्ण रूप धारण किया था ये कलियुग में जो रास किया है कलियुग में मतलब भगवान का जो कीर्तन है कलियुग में यही रास है इसलिए आज महाप्रभु इसको पर में कृपा की
राजा स्वयं देख रहे थे, सात दल में महाप्रभु अलग 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 रूप में नृत्य कर रहे थे। राजा इसको देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, क्या बात है, बोले देखो महाप्रभु इसी दल में भी है, महाप्रभु उसी दल में भी है, महाप्रभु वहां भी है, महाप्रभु सब जहां देखता हूं वही महाप्रभु, महाप्रभु है सब जगह में, महाप्रभु है। लेकिन वो सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं देख रहे थे, खुद देख रहे थे एक है, लेकिन राजा देख रहे थे वो हर दल में महाप्रभु है। तो सार्वभौम ने कहा, महाराज ऊपर से तो महाराज आपको कह रहे हैं ये विषय आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर से आपको बर में कृपा कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है महाप्रभु सब दल में, लेकिन तुम देख रहे हो महाप्रभु सब दल में। इसका मतलब है महाप्रभु तुम्हारे ऊपर में कृपा कर रहे हैं, महाप्रभु का आशीर्वाद है। किसका फल है? झाड़ू लगाने का फल है। किसका फल ये? ये भगवान का दरबार में ये झाड़ू लगाने का फल है। इसलिए जो लोग ये मंदिर में जो लोग झाड़ू लगाते हैं, मंदिर जो साफ सुथरा करते हैं, बोले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा रोज जाकर के सवेरे ये मंदिर में झाड़ू लगाता था। एक व्यक्ति ने कहा, भैया ये महाराज है, देश का राजा, जिनके दरबार में हजार हजार नौकर नौकरानियां, लेकिन ये रोज आकर झाड़ू लगाता क्यों? तब उनको पूछा, भाई महाराज तुम ये रोज रोज आकर के झाड़ू लगाते हो, पोछा क्यों लगाते हो? राजा ने कहा, पूर्व जन्म की बात मेरे को याद है। बोले क्या याद है? बोले पूर्व जन्म में मैं एक बहुत बड़ा दुष्ट था, एक बदमाशी था। एक समय एक वेश्या को लेकर मैं जंगल में गया, मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर है, हमें ये बात पता नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, वो विष्णु मंदिर को मैंने साफ किया और वहां गलत काम किया, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु, ठाकुर जी इतने कृपालु, मेरे अपगुण को ठाकुर ने नहीं देखा, गुण अपगुण प्रभु देखो ना कहूं। भगवान दोष नहीं देखते हैं, ठाकुर जी केवल गुण ही देखते हैं। मैंने गंदे काम किया, लेकिन चूंकि मैंने ठाकुर का दरबार को मैंने साफ किया था, ठाकुर की मेरी कृपा करके अभी राजा जन्म दे दिया। अगर मैंने अनजान में गंदे काम के लिए अगर मैंने साफ करते हुए इतना फल मिले, अगर रोज आकर के भगवान का दरबार में झाड़ू लगाओ, भगवान के मंदिर को साफ करो, पता नहीं ठाकुर हमें क्या नहीं देंगे। इसलिए भगवान दरबार में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जिस समय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु रथ खींचते खींचते, उन्होंने रथ को खींचते खींचते ले गए कहां पर, जहां पर श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका है, जहां राय रामानंद जहां पर रथ थे, हाँ वहीं पर महाप्रभु राधा जी का भाव में महाप्रभु विभावित है। और महाप्रभु एक पेड़ को नीचे अपना सिर रख करके महाप्रभु सो रहे हैं। इतने में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र ये सब लोग राय रामानंद राजा को बुलाए, बोले महाराज अभी अभी आओ, अभी मौका है आपको, पहले ठाकुर महाप्रभु दर्शन दे दिया नहीं दिया ना, अभी आ जाओ, आकर के राजपोशाक को परित्याग करो और एक साधारण एक धोती पहनो, हाँ धोती पहनी करके महाप्रभु अभी वही राधा भाव में विभावित हुए, वही कन्हैया जैसे, हाँ जैसे गोपी गीत गाते समय किस भाव से गोपी गीत गा रही थी, जब रास लीला करते करते कृष्ण जब रास छोड़कर चले गए, गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते, जब श्याम सुंदर कहीं मिले नहीं, ढूंढते ढूंढते श्री राधा जी को तो कृष्ण लेकर के आए थे, राधा रानी को भी छोड़कर के कृष्ण चले गए। अभी राधा रानी बेहोश होकर पड़ी हुई है, फिर गोपियां आकर के राधा रानी को होश दिलवाते हैं। गोपियां कहती है, राधे श्याम सुंदर को और ढूंढो मत, क्योंकि वो शर्मिंदा होंगे इसलिए छुपेंगे, उनको कष्ट होगा, चलो कृष्ण को अपना भजन प्यारा है, चलो। बोले श्री रास बिहारी भगवान की, देखो ठाकुर जी प्रकट हो गए, रास है ना, गोपी गीत में भगवान प्रकट हो गए, हरे कृष्ण। इसलिए बोले चलो हम बैठ करके, ठाकुर जी का भजन बहुत प्यारा है, हम बैठ करके कृष्ण का भजन गाएंगे, भगवान भजन बहुत प्यारा है, क्यों? कृष्ण खुद कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, सारा दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। सारा दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में बहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। फिर कहीं तो होते,
कहीं तो होते होंगे। बोले हाँ एक जगह में, बोले कहाँ पर, बोले मत भक्ता जत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्तजन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, तथा तिष्ठा भी नारद में वहीं रहता हूँ। इसलिए गोपियों ने कहा चलो हम बैठ करके जमुना किनारा में। बोले जमुना किनारा में क्यों बैठेंगे, बोले जमुना भगवान की पटरानी है, जमुना ये विशाखा सखी है, ये जमुना की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, इसलिए जमुना किनारा में हम बैठेंगे, चलो हम बैठ कर गीत गाएंगे। इसलिए महाप्रभु अभी उसी भाव में अभी विवाहित है, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, वही कन्हैया हाँ वही हमें बंसुरी बजा करके लाए और बीच में छोड़ करके चले गए। उनको पाने का जो उद्देश्य यह है उनका भजन गाओ। इसलिए उसी भाव से अभी महाप्रभु वहीं पर अभी उसी भाव से अभी वहीं पर लेट हुए हैं। बोले महाप्रभु का चरण दबाओ वो गोपी गीत गाओ, अरे महाप्रभु तुम्हें कृपा करेंगे। फिर उठाते हैं, बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे अजयति तेधिका जयत इंदिरा शाश्वत रहे अजयता दृष्टता सब अतमृत श्रवण मंगल महाप्रभु जब ये भजन गा रहे थे कि जो तब कथामृत का दो अर्थ है, कहते एक अर्थ तो सिद्धार्थ है, एक अर्थ है भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं गोपियां, हे कन्हैया तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी कथा अमृत है, जो पान करेगा जगत में अमरत्व को प्राप्त करेगा। बोले तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा को जो श्रवण करेगा संसार में जितने दुख है जन्म मृत्यु दुख जरा व्याधि सब दूर हो जाएगा। तप्त जीवन, बोले कभी भी रीडितम, तुम्हारी कथाओं को जो गान करते हैं बड़े बड़े कवि लोग, ब्रह्मा शंकर नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तुम्हारी कथा को गान करते हैं। बोले कलमस अपहम, तुम्हारी कथा को जो श्रवण करेगा जीवन का सारे पाप खत्म हो जाएगा। श्रवण मंगलम, जो सुनेगा उसका जीवन में मंगल मंगलमय होएगा उसका जीवन में। इसलिए हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है श्री मदाततम, तुम्हारी कथा जगत में जस देने वाले, महिमा देने वाले और जगत में सारा दुनिया में जीव जय जयकार करा देने वाले भगवान की कथा है। तुम्हारी कथा को जो सुनेगा उसका संसार का सारे बंधन खत्म हो जाएगी। इसलिए जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन तुम्हारी कथा को जो दान करते हैं सबसे बड़ा दान है। कहते ये एक अर्थ है, ये सीधा अर्थ है, लेकिन इसका एक उल्टा अर्थ भी है। ये गोपियां है ना कृष्ण को ताना मार रही है, बोले कन्हैया कौन कथा है तेरी कथा अमृत है, जिसको पता नहीं वही बोलते है तुम्हारी कथा अमृत है, तुम्हारी कथा नहीं ये, तुम्हारी कथा नहीं ये क्या है, ये अमृत नहीं ये जहर है तुम्हारी कथा नहीं जहर है। इसलिए गोपियां, इसलिए राधा रानी भ्रमर गीत में कहते हैं, बोले हे श्याम सुंदर
तुम्हारी कथा को जो पान करता है ना, इसलिए जदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रेट सक्र दादा ना विद्युत द्वंद धर्म विनष्टा। तुम्हारी कथा जब तक नहीं सुनेगा तब तक संसार में ठीक रहेगा, तुम्हारी कथा सुन लिया सर्वनाश। पति अगर कथा सुनेगा तो पत्नी को छोड़ देगी, पत्नी कथा सुनेगा तो पति को छोड़ देगा, बेटा सुनेगा तो पिता माता को छोड़ देगा, पिता माता सुनेगा तो बेटे, जो तुम्हारी कथा सुनेगा ना सब सबको छोड़ देगा। हाँ सब छोड़ कर क्या करेगा, बोले भी कुछ चर्याम चरंती, सब भिखारी बन करके सब वृंदावन में गली गली में डोलते रहेगा, राधे राधे बोलते बोलते डोलते रहेगा। इसलिए कन्हैया कौन कहता है तुम्हारी कथा अमृत है, तुम्हारी कथा मृतम, जो सुनेगा वो मरेगा। इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी कहते भैया खबरदार वृंदावन मत जाओ, भूल से भी मत जाओ, अगर भूले भटकते हुए कभी पहुंच गए ना किसी तीर्थ घाट में, वहां पर तो गोविंद देव मंदिर में प्यारी नहीं मिलनी चाहिए। बोले भैया इतना पैसा खर्चा करके वृंदावन तो इसलिए जाएंगे ठाकुर को दर्शन के लिए, आप गए तो दर्शन मत करो। बोले दर्शन कर लिया ना मेरे दोस्त नहीं देना मेरे, खबरदार उनका जो मीठी मीठी ऊपर हंसते है ना, वो ऊपर तो मीठी मीठी हंसते हैं अंदर में चाकू चलाते हैं। हाँ चाकू चलाते हैं, बोले खबरदार उनकी तेरी नजर के ऊपर में विश्वास नहीं करना, वो नजर नहीं तेरी चित्त बनानी, वो तीर है, अगर तुम्हारे दिल में अगर प्रवेश कर जाएगा ना घुस जाएगा, बस हो गया तुम्हारे काम, जगत में किसी का नहीं रहोगे। बोले खबरदार उनको मयूर पंख में नजर नहीं पड़नी चाहिए, अगर एक बार उसको देख लिया ना फिर दुनिया में किसको देखने की इच्छा नहीं करेगा, केवल इच्छा करेगा कब उसको निहारू, कब हम उसको देखते रहो। हाँ इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी सावधान करते हैं, इसलिए गोपियां कहती है कौन कहता है उसका कथा अमृत है, जिसका अनुभूति नहीं वही कहते हैं, लेकिन हमको अनुभूति है, तब कथा अमृत नहीं तब कथा अमृत, जो सुनेगा मरेगा। हाँ, मरेगा तब कथा जो सुनेगा मरेगा। इसलिए खबरदार गोपियां कहते देखो ये साधु संतों की बात को मानना नहीं, ये बगल में पोथी दबा करके ना भागवत पोथी दबा करके बोले आओ कथा सुनाएंगे कथा सुनाएंगे, खबरदार इनके पाला में मत पड़ना, खुद का घर द्वार नहीं तुम्हारे भी घर द्वार छुड़ा देंगे। तुम्हारे भी घर द्वार छुड़ा देंगे, इनको बात पर विश्वास नहीं करना, राधा रानी कहती है। हाँ इसलिए इसलिए उसका जो एक उल्टा अर्थ है ना, वो जो गोपी गीत का जो एक उल्टा अर्थ है, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका दो दो अर्थ निकाले, एक दो कृष्ण की स्तुति पर है और एक एक ताना मार रहे हैं गोपियां कृष्ण को। हाँ उसका ताना मारती है, मतलब कृष्ण विरह में जो ज्वाला है जो पीड़ा ये हमें पता है, कृष्ण विरह में कितना पीड़े है। हाँ इसलिए उसका दूसरा अर्थ है, इसलिए जब श्री हाँ जब श्री प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु का चरण को दबाते हुए ये भजन को गा रहे थे, जब ये श्लोक आया तब कथा मृतम ताप्त जीवनम, इसका दूसरा अर्थ होता है। तीसरा अर्थ होता है जब कोई विरह में दशा में हो, कृष्ण विरह में तड़पड़ाते हुए हो, उस समय उसको कौन मदद करता है, तुम्हारी कथा ही मदद करता है, कथा ही प्राण देने वाले। इतना सुनते ही महाप्रभु तो प्रेम में राधा जी के भाव में तो वो विभावित थे, एकदम प्रेम में उठ गए, उठ करके राजा को आलिंगन कर लिया, बोले भूरी दा जना कथा को जो दान देते हैं जगत में वो सबसे बड़ा दान है, उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया। महाप्रभु किसका फल है, महाप्रभु का आज उन्होंने आलिंगन पाया किसका फल है, झाड़ू लगाने का फल है, केवल ये झाड़ू लगाने का फल है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आज स्वयं श्री प्रताप रुद्र से कहती है जो झाड़ू लगाने का सेवा हमें देना, हम अपना परिकरों को लेकर के अपना भक्तों वृंदों को लेकर के हम झाड़ू लगाएंगे। महाप्रभु सारे भक्तों को बुला दिया, बुला करके देखो भैया कल हम अपना हाथों से श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन अपने हाथों से करेंगे, इसलिए बोले एक काम करो, बोले कुछ कलसी मंगाओ और झाड़ू मंगाओ, हाँ झाड़ू लगाओ मत कलसी मंगाओ। दूसरे दिन महाप्रभु अपना हाथों से जितने भक्तों को उन्होंने चंदन से उन्होंने श्रृंगार किया, सबके गले में महाप्रभु माला डाले, माला डाल गए सारे भक्त लोग, बस सबके सब गुंडीचा मंदिर चल पड़े। आज स्वयं भगवान झाड़ू लगाएंगे, कौन, स्वयं जगन्नाथ, स्वयं बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर कौन है, ये ललिता सखी है, राय रामानंद ये कौन है, ये विशाखा सखी, ये अद्वैत आचार्य कौन है, स्वयं सदाशिव है, गदाधर पंडित कौन है, ये स्वयं राधा रानी,
श्रीवास पंडित कौन है? स्वयं नारद है। आज महाप्रभु अपना परिक्रमा को लेकर के स्वयं स्वयं मंदिर को अपनी अपना मंदिर को हृदय में हमारा प्रियतम आकर के बैठेंगे। इसलिए अपना प्रियतम को अपना हृदय रूपी मंदिर में बैठाने के लिए महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के मंदिर मार्जन करने के लिए गए और झाड़ू लगा कर दिए। बड़े बड़े कंकण धूल और जितने घास भूसा को स्वयं झाड़ू लगा लगा करके साफ किया। हाँ, और जितने ऊपर मंदिर का पानी ऊपर में फेंक फेंक करके सारे ऊपर को उन्होंने अच्छे तरह से महाप्रभु ने साफ किया। महाप्रभु जब साफ कर रहे थे, हठात किया हुआ एक ब्राह्मण था, बड़ा सरल ब्राह्मण है। उसने क्या किया, महाप्रभु का चरण में ना मंदिर में पानी डाल दिया। पानी डाल करके महाप्रभु का चरण में पानी डाल दिया और वो पानी को महाप्रभु सामने उन्होंने चरणामृत ले लिया। महाप्रभु तो बिगड़ गए। महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बोला, बोलते कि तुम्हारी गौरिया क्या कर रहा है, ये भगवान का मंदिर है, ये ठाकुर का दरबार है, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, हाँ उनके लिए तो ये नहीं, लेकिन लोक शिक्षा के लिए भगवान का मंदिर में ठाकुर जी को सामने किसी का चरण धोकर के चरणामृत नहीं ले जाए, क्योंकि ठाकुर जी दुनिया के मालिक हुए हैं। हाँ, ठाकुर जी मालिक वो है, उनको सामने हमारा चरण धोना भगवान का मंदिर में। इसलिए उन्होंने लोक शिक्षा के लिए भविष्य में कोई ऐसे ठाकुर को सामने अपना चरण धुला करके दूसरों को चरणामृत नहीं दे, ये चीज को सावधान करने के लिए महाप्रभु ऊपर से बिगड़ गए, अंदर से खुश है, अंदर से खुश है, क्योंकि वही तो जगन्नाथ है ना, वही तो जगन्नाथ, अंदर से किसी को सिर्फ लोक शिक्षा के लिए बोले, देख तुम्हारी ये गौड़िया क्या कर रहा है, देख। इतने में स्वरूप दामोदर आए, आकर गला में इसे हाथ लगाकर ना धक्का धक्का तो बाहर निकाल कर दिया। बोले प्रभु अज्ञा है, उसको माफ कर देना, मूर्खों कुछ जानता नहीं, उसको माफ कर दो उसको। हाँ, इसलिए महाप्रभु जब झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते लगाते स्वयं महाप्रभु झाड़ू लगा रहे, जितने कंकण धूला को उन्होंने एकत्रित किया, महाप्रभु ने कहा देखो अभी देखो किसका किसने यहाँ पर ज्यादा सेवा की है, पता कैसे चलेगा किसने बढ़िया सेवा की, वो धूल से पता चलेगा। जो जितने अच्छे तरह से सेवा किया होगा उसका धूल उतना ज्यादा होगा। अभी देखो एकत्रित करो कौन किसने ज्यादा सेवा की। जब सभी का धूल एकत्रित किया, जब महाप्रभु का धूल और मिट्टी को एकत्रित किया ना, सभी का जितने धूल था सबसे ज्यादा महाप्रभु हुआ। मतलब महाप्रभु उन्होंने कितने सेवा की है, सारे भक्तों का धूल एकत्रित की और महाप्रभु का धूल को एकत्रित किया तो महाप्रभु का धूल ज्यादा मिला है। तब श्री शिक्षा की विषय क्या है, शिक्षा है महाप्रभु कौन है। एक तो कृष्ण स्वयं, दूसरे में ये राधा जी की भाव से ये झाड़ू लगा रहे, किसी भाव से, राधा जी की भाव से। जितने सब और जितना है, कोई बलदेव प्रभु, कोई अद्वैत आचार्य, सबके सब भक्त है, लेकिन राधा रानी जैसे कृष्ण सेवा करती हैं, अगर सभी को सेवा को एकत्रित करो और राधा रानी को सेवा को एकत्रित करो, वो सभी का सेवा क्या राधा जी की सेवा को बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए उनका नाम क्या है, राधा। राधा मतलब क्या है, बोले अनया राधा तितनुनम भगवान हरिश्वर जन्ना बिहाय गोविंद। जब रास लीला हो रही थी, रास से जब कृष्ण श्री राधा रानी को लेकर के चले गए, सब ढूंढ रहे थे राधा जी कहाँ है, हठात देखा कृष्ण का दो चरण चिन्ह है और उसको बीच में देखा एक छोटा चरण चिन्ह है। हाँ, वहीं पर गोपियां कहती हैं, बोले देखो देखो तो सही, यद्यपि हम सबके सब बोलते हैं, हम सबके सब कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण हमें भी प्रेम करते हैं, लेकिन देखो तो कृष्ण सबको सामने सब रहते हैं, लेकिन सब रहते हुए कृष्ण किसी को साथ में लेकर के जाते हैं, किसको लेकर गए हैं, देखो ये सखी को। इसलिए से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो श्लोक है भागवत में, ये जो श्लोक है श्री सुखदेव गोस्वामी, जैसे कोई व्यक्ति विजय हो, जैसे युद्ध करते करते अगर किसी को विजय हो जाए क्या करता है, शंख बजाते हैं, शंख नाद करते हैं, आज ये युद्ध में हमने विजय प्राप्त की है। उसी तरह जो रास है, कहते ये रास मतलब रस है, हाँ रसनाम समय इतिरास है, लेकिन उसी में यद्यपि सब समझते हैं कृष्ण की हम सबसे ज्यादा प्यारी है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते श्री सुख कौन है, बोले श्री सुख श्री, बोले प्रिया सुख श्री वृषभा अनुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना।
एकांत कनन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुख ही साधारण नहीं, जो निकुंज में निवास करने वाली राधा जी की जो प्रिया सुख है, राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाती, कृष्ण नाम पढ़ाती हैं, इसलिए ये श्री राधा जी की सुख है। इसलिए आज स्वयं राधा जी की सुख अपना राधा जी की महिमा को गा रही, बोले देखो देखो यद्यपि तुम सबके सब बोलते हो हम कृष्ण के प्यारी है, देखो तो कृष्ण सबको लेकर किसको लेकर गए, दोनों चरणों के बीच में किसका चिन्ह है, बोले अनयाराधितनुनम, इसी ने सर्वतम रूप में भगवान की आराधना की है, जिस वजह से कृष्ण सबको त्याग दे करके केवल इसी को लेकर गए, किसको, श्री राधा रानी को। बोले श्री राधा रानी की, आज जोर से जयकार लगा तो सो गए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले जय जय श्री राधे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सबका कचरा को एकत्रित किया, लेकिन जब महाप्रभु को किया देखा सबसे ज्यादा किसके हुए हैं, श्री महाप्रभु राधा रानी का जैसे सेवा को ही। इसलिए राधा उसको उल्टा दो क्या होता है, राधा शब्द को उल्टा क्या होता है, क्या होता है, धारा होता है, राधा धारा। कहते कृष्ण भक्ति रस की जो धारा जहां पर प्रवाहित होती है, कहते श्री ये श्री राधा रानी है, इसलिए इनकी सेवा श्रेष्ठ है। इसलिए महाप्रभु अगर जो सही सेवा नहीं कर रहे थे, पर महाप्रभु बड़ी मीठी मीठी बोली से उनका समझा समझा करके, बोले वाह तुम तो बढ़िया सेवा कर रहे हो भैया, दूसरे को भी सिखा दो, हाँ। इसलिए कभी कभी मीठी मीठी गाली से उसको समझाया करते थे, तुम भी अच्छे तरह से सेवा करो। इसका मतलब है कि गुंडीचा मंदिर महार्जन अपना हृदय को साफ करना है, जो सही साफ नहीं करते हैं महाप्रभु को समझा तो भैया ठीक तरह से साफ कर हृदय को, हृदय तो ठीक से साफ कर, तभी तो ठाकुर जी एक दिन आकर के बैठेंगे। इसलिए आज महाप्रभु स्वयं मंदिर को सुंदर रूप में झाड़ू से सारे धूल को कंकड़ को साफ करते हुए, जब साफ हो गया बोले पानी लाओगे, वहां पर घड़ा लेकर गए थे कहां से पानी, इंद्रदुम्न सरोवर से पानी लाते थे, आप लोग जो गए अब पता है वही इंद्रदुम्न सरोवर है, वहीं से भक्त लोग उसको पानी लाते थे, बोले वहां से पानी लाओ, पानी ला करके महाप्रभु भक्तों को साथ में पर पानी से अच्छे तरह से झाड़ू दे करके उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने साफ किया, साफ करके फिर उन्होंने देखा कहीं कहीं पर थोड़ा दाग है, फिर महाप्रभु ने अपना कपड़े को लेते अपना कपड़े को लेकर के वो दाग को अच्छे तरह से रगड़ रगड़ करके वो दाग को साफ करते, जैसे सुंदर एकदम उज्जवल हो जाए मंदिर, क्योंकि जिसमें श्री जगन्नाथ जी आकर के जिसमें विराजमान करेंगे। कहते ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है, बोले भैया ये क्या चीज है, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन है क्या चीज, कहते इसी विषय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बहुत बढ़िया टीका लिखते हैं, एक एक चीज को प्रभुपाद उठा उठा करके इतने सुंदर उन्होंने बात बताई, अद्भुत उन्होंने सिख्या दिया है महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को, तो क्या सिख्या देते हैं, इसलिए उसको सिख्या भी सुने। कितना समय हो गया कथा, कितना समय चला, हो गया ना, ओ हो गया ना, ये कथा तो बहुत लंबी कथा है, पता है कुछ हाँ, देखो कल हम अच्छे तरह सुनेंगे, अभी थोड़ी सी सुन लेते हैं। कहते ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है जिसमें भगवान आकर बैठेंगे कृष्ण, तो इसको ऊपर में प्रभुपाद का भी टीका है, और इसी विषय के ऊपर में हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब उन्होंने मथुरा मठ में कथा की थी उसको ऊपर में महाराज भी कुछ कुछ बात बताई थी, इसलिए जो रथ यात्रा ग्रंथ है उसमें प्रभुपाद का भी टीका है, और उसको साथ साथ में हमारे महाराज का भी उसमें कुछ कुछ महाराज भी टीका उन्होंने लिखे, महाराज ने कुछ कुछ बात उसके अंदर में मिलाकर गुरु जी कुछ कुछ बताए, वो ग्रंथ में दोनों चीज दी हुई है। पहला चीज है गुरु जी कहते हैं, ये गुरु जी की टीका है, गुरु जी कहते हैं जीव कौन है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है, जिसको कृष्ण कहते हैं ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भगवान की अंश है, मैं जैसे सनातन हूं ये जीव भी सनातन है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जब श्री
सनातन गोस्वामी जो प्रश्न करते हैं महाप्रभु को के आमी केनो मरे जारे तापत्रय या नाही जानी कई चमर ही दिया है प्रभु मैं कौन हूँ। हम तो कोई भी दुख को कोई निमंत्रण नहीं देते हैं, बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में क्यों आता है। प्रभु जीव को शांति मिलेगा कैसे, जब उन्होंने ये प्रश्न की महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश कृष्णा भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारते संसार आदि। तो ये महापुरुष स्वयं उत्तर देते हैं, इसलिए जो जीव है वो ईश्वर का अंश ही ये जीव है। हाँ, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंदी है मरकट की न्याई। गोस्वामी तुलसीदास बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया है, उन्होंने दो उदाहरण देकर गोस्वामी तुलसीदास दो उदाहरण देकर समझाए, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जीव तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव तो ईश्वर का अंश है, ये अमल है चेतन है ये सहज सुखराशी है, लेकिन सो माया बस भय गोसाई वो ऐसे जो मुक्त पुरुष भी माया में वशीभूत हो गया। उन्होंने दो उदाहरण दिया, पहला उदाहरण दिया जो बहेलिया जो बंदर को पकड़ते हैं ना वो कैसे करते हैं, बंदर को दिखा दिखा करके, क्या दूर से बंदर को दिखा दिखा करके मिट्टी मिट्टी के गड्ढा करके उसमें कलसी गाड़ देते हैं और कलसी को अच्छे तरह से उसमें जमा देते हैं पोत देते हैं और उसका जो मुंह बहुत पतला होती है उसका कलसी का मुंह और वो बंदर को दिखा दिखा करके ना उसमें एक आलू होने करके फल डाल देते हैं। हाँ, और फिर वो बहेलिया जाकर पेड़ के आड़ में छुप जाता है। वो बंदर ने देखा भैया इसमें आलू नहीं तो उसमें कोई फल डाल दिया, झट आएगा बंदर आ करके, वो मुंह इतना बड़ा होता है केवल बंदर का हाथ ही घुस सकता है, लेकिन जब उसको पकड़ लेगा ना ऐसे हो जाएगा, केवल घुसने का जैसे बनाया लेकिन अंदर में जाकर जब पकड़ लेगा ऐसे हो जाएगा, फिर जब हाथ निकलेगा फिर निकलेगा हाथ नहीं निकलेगा, लेकिन वो फल को छोड़ करके भाग सकता है, लेकिन उसको ऐसे महसूस होता है जैसे अंदर में मेरे हाथ को किसी ने पकड़ कर रखा, लेकिन कोई पकड़ा नहीं वो खुद पकड़ कर रखा है, वो हाथ निकलेगा नहीं, फिर बंदर टेंट टेंट चेंज करने लग जाता है, वो भागेगा नहीं, उसको लगेगा जैसे अंदर से कोई पकड़ कर रख दिया, इतने में बहेली आएगा बस बंदर को गले में फांस लगाएगा पकड़ के ले जाएगा। देखो इसमें सीखा है, हमें ऐसे लगता है जैसे ये माया हमें पकड़ लिया, लेकिन माया भाई कोई कुछ नहीं पकड़ा आपको, अगर आप इच्छा करके तो सन्यासी बनकर जा सकते हो, वृंदावन में भजन करने के लिए जा सकते हो, लेकिन हम क्या कहेंगे, नहीं हमारा बीबी है ना, हमारा बच्चे है ना, हमारी अभी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे बीबी की कौन देखेगा। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी ले कितने उम्र में थे, 26 साल में, पत्नी विष्णुप्रिया है। हाँ, विष्णुप्रिया केवल 15-16 साल की पत्नी है, बड़ी प्यारी पत्नी है, लेकिन महाप्रभु पहले बड़े भाई साधु होकर चले गए, बाद में पिता भी चले गए, घर में एक बूढ़ी मैया और कोई नहीं, पहले स्त्रियां कहीं बाहर नहीं जाती थी, घर में रहा करती थी, घर में खाने देने वाले कोई नहीं, एक महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु उसी उम्र में सन्यास लेकर जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा उम्र में गए भजन के लिए, दो भाई है उनका एक ही बेटा जिनके घर में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है जिसका पत्नी अप्सरा जैसे है, लेकिन उसी उम्र में उन्हें छोड़कर सन्यास लेकर गए। इसलिए जीव संसार का बंधन को छोड़ करके भजन के लिए जा सकता है, लेकिन उसको क्या लगता है, अरे मेरे को बीवी हाथ पकड़ कर रखी है ना, मेरे बच्चे हाथ पकड़ रखे ना, मेरे पिता माता भी है, ये है वो है, वो हजार बहाना बनाते, लेकिन कोई पकड़ा नहीं, अभी तुम छोड़कर जा सकते हो, अगर हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा पता। इसलिए वो कहते हैं उनको ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे को पकड़ कर रखा, लेकिन कोई पकड़ा नहीं है, तुम सब छोड़ करके भजन के लिए जा सकते हो, लेकिन उसको लगता है जैसे मेरे कोई पकड़ लिया। एक ये उदाहरण दिया है। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है जो तोते को पकड़ते हैं, जो तोते को पकड़ते हैं, देखो हम समझाने के लिए कोशिश करता हूँ समझो, वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक होता है इसके ऊपर एक फल डाल देते हैं, फल लटका देते हैं, और नीचे एक पतला से होता है उसके ऊपर एक बांस होता है, बांस गोल करके उसके अंदर में ऐसे ये होता है छोटा बांस, उसके अंदर में एक बांस होता है, जब वो तोता अगर उसके ऊपर बैठता है, बैठ करके वो फल खाने जाएगा, वो बांस उल्ट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में अंदर में ये है जैसे पंखा घुमाते ना, पंखा घुमाते हैं, वो बैठते ही वो तोता क्या होगा नीचे लटक जाता है,
जब नीचे लटक जाता है उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथ को किसने पकड़ लिया, लेकिन उसको हाथ कोई नहीं पकड़ा, वो खुद उसको पकड़ कर रखा। फिर वो टेंट टेंट छोड़ कर जाएगा नहीं, उसको नीचे जब लटक जाएगा उसको लगेगा मेरे हाथ को किसने पकड़ दिया, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा है, वो खुद पकड़ कर रहता है, लेकिन लगता है कि इसको पकड़ लिया है लेकिन कोई पकड़ा नहीं, लेकिन उसी समय वो जा सकता है लेकिन जाता नहीं, पहले आया पकड़ कर ले गया। उसी तरह जो जीव है वो भगवान का नित्य सेवक है, नित्य दास है भगवान की, लेकिन जीव अभी माया में बसीभूत होकर के जीव ये संसार में दुख कष्ट भोग कर रहा है, ये दुख कष्ट भोग कर रहा है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, ये हृदय में हमारी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे हृदय में सब चीज बैठा हुआ है। ये गुंडचा मंदिर मार्जन मतलब होता है अपना हृदय रूपी रथ को अभी प्रियतम भगवान कृष्ण को बैठाने के लिए अभी हृदय को साफ करनी चाहिए। जब हृदय को साफ करेंगे फिर ठाकुर जी आकर के हमारे हृदय में बैठेंगे। अभी वहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं पहले महाप्रभु धूल भटाए, उसके बाद में कंकड़ भटाए, उसके बाद में धोए, तब प्रभुपाद वो एक एक चीज को उदाहरण दे रहे हैं, कभी धूल किया है उसमें एक कंकड़ किया है उसमें ये घास किया है और निषिद्धातार कुटी नाटी ये किया है। प्रभुपाद एक एक चीज को यहाँ पर बता रहे हैं हृदय में कब आकर के ठाकुर जी बैठेंगे, तब जब ये सारे साफ हो जाएगा, फिर हम इसको कल सुनेंगे और एक एक प्रभुपाद वो चीज को बता रहे हैं ये गुंडिजा मंदिर महाराजन के संबंध। फिर हम जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए कहाँ हुए कल हमसे पता सुनेंगे, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, आरती होगी ना, आरती कर लो, कीर्तन कर लो। हाँ जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय राधे राधे जय 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 श्री राधे, श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 हरि गोविंद, जय
की बजाया जाया गोरा चांदे आरती को शोभा नहीं था।
जाना पिता टा बने जग मना लो भा जान पिता टा बने जग मना लो भा जग जनेर मना लो भा আমার গৌরাঙ্গের আরতি শোভা জগ জনের মনালো ভা গৌরাঙ্গের আরতি শোভা জগ জনের মনালো জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই জয় দখে নেতাই চান বামে গতা দারা দখে নেতাই চান বামে গতা ধারা নিকটে হে অতৈতা শ্রী বাস ছত্র ধারা আছে গোরা রত্ন সিংহ শিবাবসে আজি আরতি করে না ব্রহ্মা আদি তে পগানে নর হরে আদি করে চমর ডোলা সঞ্জয় মুকুন্দ পশু পোষয় শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল আজি মধুর মৃদঙ্গ মধুর 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 শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মধুর 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 বাজে হরি 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 বল আমার গৌরাঙ্গে হির আরতির কালে মধুর 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 বাজে গৌরাঙ্গে হির আরতির কালে মধুর 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 বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মধুর 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 বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মধুর 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 বাজে মধুর 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 বাজে মধুর 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 বাজে জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানি গৌর হি গৌর হি গৌর
जी बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहु कोटि चंद्र जिने बटन हो जा बहु कोटि चंद्र जिने बटन हो जा अरे कला देसे बन मल करे झलमा कला देसे बन मल करे झलमा शिव सुख नारद प्रेम गदा गदा शिव सुख नारद प्रेम गदा गदा भक्ति विनोद देखे तुरार संपदा भक्ति विनोद देखे तुरार संपदा जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला जय जय राधा ओरे आरती कर ललिता दिशिका आरती कर ललिता दिशिका अति मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर अरे पीतांबर सिखी पुछ चूड़ा मनोहर ललित माधव बामे विश्व भानु कन्या सुनील बसन गोरी रूपे गुने धन्या नाना विध अलंकार करे छलमा हरि मन विमहन बदन योजा विशाख दि सखी गन नाना रजे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर ढुला श्री राधा माधव पद सरसी जया श्री राधा माधव पद सरसिया भक्ति विनोद सखी पद जुगे भाषे भक्ति विनोद सखी पद जुगे भाषे राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय श्री राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे राधे गोविंद जय जय गोविंद जय जय अरे श्याम सुंदर मदन मोहन गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय गिरिधारी गोपीनाथ गोविंद जय जय गिरिधारी गोपीनाथ गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे सभी लोग बोलिए हरि नाम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सभी लोग बोलिए सभी लोग कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा सभी लोग हरे राम सभी लोग कीर्तन कीजिए, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राम
राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि 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 बोल गौर हरे हे गौरा हरे गौरा हरे गौरा हरे गौर हरे गौरा हरे गौरा हरे सभी लोग बोलिए सभी लोग गौरा हरे जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि गौर हरे गौर हरे गौर हरे जय एकादशी सभी लोग बोलिए गौरा हरे गौरा हरे गौरा हरे गौरा हरे नितय गौरंग गौर हरि गौरा नितय गौरंग गौर हरि अरे नतिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौरा हरि गौरा हरे गौरा हरे गौरा हरे जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर हरे गौर हरे अरे नतिया बिहारी गौर हरे गौर हरे गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे बोलो बोलो जय सचिनंदन गौर हरे 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 गौर हरे
जय सती नंदन गौर हरे जय सती नंदन गौर हरे पतित पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरे हृदय गौरांग गौर हरे जय सतीनंदन गौर हरे गौर हरि हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल नी ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 नी ताई गौर जीवा गौरु ब्रह्मानंद जय श्री श्री गुरु गौरांगन धर का गिरधार जो श्री राधा बिनंद बिहारी जो संधार त्री की जय जय नित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 मधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला अप्र विष्णु विष्णु पाद श्री मधुभक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला अप्र विष्णु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय।